कोरोना वायरस के बचाव के लिए आज कई तरह के मास्क अवेलेबल हैं। कई मास्क सिंगल यूज के लिए होते हैं तो कई रीयूजेबल होते हैं। अगर आप मेडिकल मास्क का इस्तेमाल करते हैं तो आपको बता दें कि इसे भी आपको रीयूज करने से बचना चाहिए। इस बारे में ज्यादा जानकारी के लिए ओनली माई हेल्थ ने एक एक्सपर्ट से बात भी की है। अब क्वेश्चन ये आता है कि जो हम मास्क यूज करते हैं इनको हम रीयूज क्यों नहीं कर सकते। सबसे पहली चीज है कि जो मटेरियल जिसका ये मास्क बना होता है, सर्जिकल मास्क, वो एक तरह का डिस्पोजेबल मटेरियल होता है। अब इसको डिस्पोजेबल क्यों बनाया जाता है? क्योंकि जब आप मास्क पहन के रखते हैं तो हवा के साथ बैक्टीरिया वायरस जो है वो मास्क के आउटर सरफेस पे चिपक जाता है। और सपोज करो कि आपको भी कुछ इन्फेक्शन है तो वो जब आप सांस लेते हैं, बार बार बात करते हैं मास्क पहने में, तो मास्क के अंदर की सरफेस पे चिपक जाता है। अगर आप इस मास्क को रीयूज करेंगे तो उस टाइम पे वो कहीं ना कहीं पे टच कर सकता है और उसके बाद जब दोबारा पहनोगे तो आप उस वायरस को अंदर अपने ले जा सकते हो। एक बार आपने सर्जिकल मास्क पहन लिया है तो आप इसको मैक्सिमम 8 से 10 घंटे पहन सकते हैं, उसके बाद आपको इसको फेंकना ही पड़ेगा। अगर आपको मास्क रीयूज करना है, कॉस्ट का इश्यू रहता है, तो आप क्लॉथ वाला मास्क जो होता है उसको ट्रिपल लेयर पहन सकते हैं और उसको फिर आप रोज धो लीजिए और धोने के बाद उसको हवा में ड्राई करिए। उसको आयरन नहीं करना है, उसको हवा में ड्राई होने देना है और उसके बाद आप उसको रीयूज कर सकते हैं। आपको बता दें कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का कहना है कि एक डिस्पोजेबल मास्क का उपयोग फिर से नहीं करना चाहिए और जैसे ही ये नम हो जाए इसे चेंज कर लेना चाहिए। मेडिकल मास्क को उतारते समय आपको ध्यान रखना चाहिए कि इसके सामने के हिस्से को आप न छुएं। अगर ये किसी संक्रमित व्यक्ति द्वारा पहना जाता है तो इसे कभी भी रीयूज न करें। कोरोना वायरस से बचने के लिए मास्क का बड़ा रोल है, तो इसे लेकर आपका हाइजीन मेंटेन करना बेहद जरूरी है।